Assalamualaikum everyone. In this short lecture, we are going to discuss another important part of speech, that is adverb. An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb by making its meaning more specific. तो adverb basically एक verb को edit करता है, उसके मानी में modification लाता है, तब्दीली लाता है. और इसी तरह एडजेक्टिव के मानी में भी ये स्पेसिफिकेशन लाता है, उसमें मॉडिफिकेशन लाता है, उसके मानी को क्लियर करता है, प्रिसाइज करता है. और इसी तरह अपने जैसे दूसरे जो एडवर्ब्स हैं उनको भी और ज़्यादा क्लियर करता है, उनके मानी में इजाफ़ा करता है. तो एडवर्ब वैसे बुनियादी तौर पर ये वर्ब्स की हेल्प करते हैं और वर्ब्स के मानी में ये तब्दीली लाते हैं और उनके मानी में इजाफ़ा करते हैं. और एग्जांपल के तौर पे क्विकली का वर्ड देखें, क्विकली जिसका मतलब है तेज़ी से, जल्दी से, तो ये बेसिकली एक एडवर्ब है. और एडवर्ब की एक निशानी ये भी होती है कि ज़्यादातर एडवर्ब्स के एंड पे एल वाई आता है. और आप देख सकते हैं स्लोली का मतलब है आहिस्ता से, आराम से, बैडली बुरे तरीके से, यानी ये मैनर बता रहा है कि कोई जो एक्शन है, जो काम है, वो कैसे हुआ या कब हुआ या कहाँ पर हुआ, ठीक है. और इसी तरह करेक्टली का वर्ड जो है ये भी एडवर्ब है जिसका मतलब है ठीक तरीके से. हैप्पीली का मतलब खुशी से, खुशी भरे मूड में, इस तरह से. अब हम इनमें से कुछ एडवर्ब्स को एग्जांपल्स में देखते हैं, सेंटेंसेस में इनका यूज़ देखते हैं कि कैसे हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज़ शी रोट हर आंसर्स क्विकली. उसने आंसर्स लिखे, रोट का मतलब लिखे, वर्ब है. कैसे लिखे? क्विकली, जल्दी से लिख ली. तो क्विकली का वर्ड बेसिकली अगर आप गौर करें तो वो वर्ब जो कि लिखा उसको डिफ़ाइन कर रहा है, उसके मानी में इजाफा कर रहा है और उसको और ज़्यादा क्लियर कर रहा है. तो क्विकली का वर्ड जल्दी से, तेज़ी से उसने एक काम किया लिखने का, और वो लिखने का काम क्या था? आंसर्स लिखे. तो उसमें हमें ये एक बात और ज़्यादा क्लियर होकर सामने आती है कि उसने जो आंसर्स लिखे हैं वो तेज़ी से लिखे हैं. तो इस तरह से ये एडवर्ब सेंटेंस में बेसिकली बुनियादी तौर पर ये वर्ब्स को कहले मॉडिफाई करता है, उनके मीनिंग्स में इजाफा करता है. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. द ड्राइवर वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट. ड्राइवर कार चला रहा था. कैसे चला रहा था? फास्ट. फास्ट जो कि एक और एडवर्ब है जिसका मतलब है तेज़ी से या तेज़. तो बेसिकली फास्ट का वर्ड एडवर्ब है, इसके एंड पे एल वाई नहीं है. तो ये भी बात नोट करने वाली है कि तमाम जो एडवर्ब्स होते हैं लाजमी नहीं है कि उनके एंड पे एल वाई आए. बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जो कि विदाउट एल वाई पे एंड होते हैं, जैसे कि यही एक एडवर्ब की एग्जांपल जो आपने देखी. और इस तरह और बहुत सारे हैं, जैसे वेरी का वर्ड और टू, टी डबल ओ टू जिसका मतलब बी होता है, क्वाइट सी यू सॉरी क्यू यू आई टी ई जिसका मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली. तो इस तरह से जो एडवर्ब्स हैं वो बेसिकली वर्ब्स के मानी में इजाफा करते हैं और उनके मानी में क्लेरिफिकेशन लाते हैं. माई फ्रेंड इज़ रियली हैप्पी. मेरा दोस्त वाकई ही खुश है. तो हैप्पी का वर्ड बेसिकली एडजेक्टिव है, तो इसके मानी में भी एडवर्ब्स मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उनमें इतनी कह लें उनकी रेंज और उनकी कह लें कि उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं. रियली का वर्ड बेसिकली एडवर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ जो इज़ राइटिंग वेरी केयरफुली. जो जो कि फीमेल का नाम है, वो लिख रही है, कुछ लिख रही है वेरी केयरफुली. केयरफुली का मतलब एहतियात से, बड़े ध्यान से. लेकिन कितने ध्यान से? वेरी का वर्ड हमें बता रहा है बहुत ध्यान से, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से, तवज्जो से वो लिख रही है. तो केयरफुली का वर्ड भी एडवर्ब है और वेरी का वर्ड भी एडवर्ब है.
तो बेसिकली केयरफुली जो मेन एडवर्ब है सेंटेंस को, इसको वो और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक और एडवर्ब का कह लें सहारा ले रहे हैं, उसकी हेल्प ले रहे हैं, और वेरी का वर्ड ये काम कर रहा है। तो इस तरह से ये अपनी डेफिनेशन पे भी पूरा उतरता है ये सेंटेंस, के एडवर्ब दूसरे एडवर्ब्स के मानी में भी तब्दीली लाते हैं, उसको मोर स्पेसिफिक बनाते हैं। लुक एट अनदर एग्जांपल, लकीली वी गॉट द टिकट्स फॉर द मूवी। खुशकिस्मती से हमें मूवी के लिए टिकट्स मिल गई। तो इसमें जो लकीली का वर्ड है वो बेसिकली एडवर्ब है, लेकिन वो सेंटेंस के शुरू में आया, और इससे ये बात हमारे सामने आती है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी मॉडिफाई कर देते हैं, पूरे सेंटेंसेस के मीनिंग को स्पेसिफिक, क्लियर और प्रिसाइज कर देते हैं। तो ये थे एडवर्ब्स जिन पे थोड़ा सा हमने हमने ओवरव्यू लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको एडवर्ब के बारे में कोई जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो आपका डिवेल्प हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट विद अनदर लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।